नमस्कार। इस वर्चुअल क्लास में मैं आप सबका अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। मैं डॉक्टर मधु जैन उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान में हिंदी की सहायक प्राध्यापक हूँ। आज हम आधार पाठ्यक्रम का ओवरव्यू देखेंगे। आपके पाठ्यक्रम प्रति वर्ष का है हिंदी भाषा और संवेदना। इस पाठ्यक्रम में आपको 5 इकाई पढ़नी है। इकाई 1 में आचरण की सभ्यता, ये निबंध सरदार पूर्ण सिंह का है। जवानी काव्य श्री मखनलाल चतुर्वेदी का। विज्ञान परिभाषा शाखाएं संक्षिप्त इतिहास। सपनों की उड़ान APJ अब्दुल कलाम। प्रमुख वैज्ञानिक आविष्कार और हमारा जीवन त्रुटि संशोधन। इकाई 2 में आपको पढ़ना है शीर्ष के फूल, ये निबंध आचार्य हजारे प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा हुआ है। विकास का भारतीय मॉडल धर्मपाल, निबंध लेखन की कला, संधि समास संरचना और प्रकार। निराला, ये संस्मरण महादेवी वर्मा द्वारा लिखा हुआ है। इकाई 3 में आपको मांडव यात्रा वृतांत पंडित राम नारायण उपाध्याय का पढ़ना है। हिंदी भाषा का मानकीकरण, भारतीय कृषि, जीवन उद्भव और विकास, जनजातीय जीवन। उसने कहा था कहानी श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, आपको पढ़ना है। इकाई 4 में महाजनी सभ्यता निबंध है, ये प्रेमचंद जी द्वारा लिखा हुआ। मुहावरे और लोकोक्तियां, सौर मंडल, ब्रह्मांड और जीवन, शिकागो व्याख्यान स्वामी विवेकानंद, संक्षिप्तियां। इकाई 5 में आपको पढ़ना है मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थल। फिल्टर तो चाहिए ही, डॉक्टर देवेंद्र दीपक, भारतीय वनस्पतियां और जीव पर्यावरण, भोला राम का जीव, ये व्यंग है हरिशंकर परसाई द्वारा लिखा हुआ। आंगन का पंछी विद्या निवास मिश्र। आइए आपको हम इकाई 1 की ओर लेकर चले। इकाई 1 में आपको पढ़ना है आचरण की सभ्यता, यह निबंध सरदार पूर्ण सिंह का है। आचरण से अभिप्राय उस क्रियाकलाप और मनोवृत्ति से है जो हम अपने प्रति अपनाते हैं, और व्यवहार वह है जो हम किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति करते हैं। श्रेष्ठ आचरण ही सबसे बड़ी सभ्यता है, और यदि हमें सच्चे अर्थों में मनुष्यत्व को प्राप्त करना है तो अपने को श्रेष्ठ, सुंदर और दूसरों के लिए अनुकरणीय बनाना होगा। आचरणहीन मनुष्य को कोई भी समाज, कोई भी सभ्यता पसंद नहीं करती है, पर आचरणवान पुरुषों का हर जगह सम्मान होता है। वैसे भी देखा जाए तो मौन आचरण का एक व्यवहार है, और मौन लोगों के ऊपर स्थायी प्रभाव डालता है। दूसरा अध्याय में आपको जवानी कविता पढ़नी है। ये कविता श्री माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा लिखी हुई है। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय कवि है और एक भारतीय आत्मा के नाम से जाने जाते रहे हैं। श्री माखनलाल चतुर्वेदी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अनासक्त कर्मयोगी वीर योद्धा की तरह जीवन बिताने वाले कलम के सिपाही रहे हैं। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी का भाव जगत प्रधानता राष्ट्र प्रेम की पुनीत भावनाओं से परिपूर्ण था। देश के लिए जीना मरना उनकी भावना का सर्वोपरि विषय था। इसी भावभूमि पर वह चढ़ती जवानी को प्राणोत्सर्ग का संदेश देते थे। देश और संदेश दोनों जगह श आएगा, श नहीं। प्राण रेखा खींच दे उठ बोल रानी, री मरण के मोल की चढ़ती जवानी। अपने जीवन दर्शन के अनुरूप ही वे मातृभूमि की पूजा का दोना, बलिदान के रक्त से
भरा हुआ देखना चाहते थे, इसलिए जवानी के जोश को जगाते हुए वे उससे अपनी नसों में बहने वाले रक्त का प्रमाण मांगते थे। द्वारपालिका खोल चल भू डोल कर दे, एक हिमगिरी एक सिर का मोल कर दे, मसल कर अपने इरादों सी उठाकर, दो पतेली है कि पृथ्वी गोल कर दे, रक्त है या है नसों में क्षुद्र पानी, जांच कर तू शीश दे देकर जवानी। जवानी जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय है, पर वह भोग विलास के लिए नहीं है, बल्कि देश की आजादी के लिए अपने आप को कुर्बान कर देने का समय है। माखनलाल चतुर्वेदी की कलम से, कलम के सिपाही थे, कलम से अंग्रेजी सरकार डरती थी, पर नवयुवकों में वह एक नई चेतना का संचार करती थी। पुष्प की अभिलाषा तो माखनलाल चतुर्वेदी के नाम का पर्याय ही बन गई थी। अगला अध्याय आपका है विज्ञान परिभाषा शाखाएं संक्षिप्त इतिहास। आज यदि हम विज्ञान को नहीं अपनाते हैं तो हम पिछड़ जाएंगे। जो देश विज्ञान में पिछड़ जाएगा वो सभी देशों से पीछे रह जाएगा, इसलिए हमें विज्ञान के साथ साथ चलना ही होगा। वैसे भी देखा जाए तो विज्ञान क्रमबद्ध और विशिष्ट अध्ययन का नाम होता है। विज्ञान की दो शाखाएं हैं, एक सामाजिक विज्ञान, दूसरा प्राकृतिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में राजनीति, भूगोल, इतिहास और समाजशास्त्र आते हैं। प्राकृतिक विज्ञान में जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान आते हैं। जीव विज्ञान के भी दो भाग होते हैं, जंतु विज्ञान वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान में जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है और वनस्पति विज्ञान में पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। भौतिक विज्ञान की भी तीन शाखाएं हैं, गणित, भौतिक और रसायन। बच्चा जब से पैदा होता है तब से मृत्यु पर्यंत तक विज्ञान से जुड़ा हुआ होता है। हम उसे विज्ञान के रूप में जाने या ना जाने, पर हम विज्ञान के जितने भी आविष्कार हैं उनके माध्यम से जुड़े ही होते हैं। जैसे मोबाइल का हम इस्तेमाल करते हैं, अब ये साइंस ही है। सबसे पहले हम गणित को देखें तो वैदिक ऋषि मेघातिथि ने सर्वप्रथम अंकों का उल्लेख किया। संख्या, उनके गणित फल, उनके अंक गणित के आधार थे। दशमलव की खोज भारत में 150 ईसा वर्ष पूर्व हुई शून्य और दशमलव की खोज करने का श्रेय भारत को जाता है। भौतिक विज्ञान में हम ब्रह्मांड में विद्यमान वस्तुओं, क्रियाओं और उन्हें प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करते हैं। रसायन विज्ञान में पदार्थ में होने वाले परिवर्तनों, प्रभाव के विभिन्न प्रकारों के नियमों का अध्ययन किया जाता है। रसायन विज्ञान की बहुत सारी शाखाएं हैं, भौतिक रसायन, अकार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन, भूगर्भ रसायन, जीव रसायन, विद्युत रसायन, विश्लेषणात्मक रसायन, रेडियो रसायन। सपने कौन नहीं देखता है, कल्पना कौन नहीं करता है। सपनों में जीना, कल्पना की उड़ानें भरना सबको अच्छा लगता है, पर सपने उन्हीं के साकार होते हैं जो उन सपनों के लिए अपने पूरे लक्ष्य के साथ कटिबद्ध हो जाते हैं। डॉक्टर अबुल पकीर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम भारत के पूर्व राष्ट्रपति, परिश्रमी, लगनशील व्यक्तित्व के धनी प्रतिभाशाली वैज्ञानिक। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने डॉक्टर आर वर्धराजन के निर्देशन में सुपरसोनिक टारगेट एयरक्राफ्ट का बनाने का कार्य किया। इसरो में अनेक पदों पर कार्यरत रहे मिसाइल मैन कलाम साहब को 1981 में पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया गया। 1990 में पद्म विभूषण, 1997 डॉक्टर अब्दुल कलाम
भारत रत्न की गरिमामय उपाधि से अलंकृत हुए। 1998 में उनके कुशल निर्देशन में पोखरण में अनेक परमाणु बम विस्फोट करवाए। इनकी अभूतपूर्व सिद्धि ने न केवल वैज्ञानिक कलाम की कीर्ति में चार चांद लगाए, बल्कि डॉक्टर कलाम भारत में परमाणु अस्त्र एवं प्रक्षेपास्त्र चालन व्यवस्था के जनक के रूप में प्रख्यात हो गए। सिर्फ पंखों से उड़ान नहीं होती, हौसलों से उड़ान होती है। जो अपने हौसले पक्के कर लेते हैं, जिनके सपनों में जान होती है, वह लंबी उड़ान भर सकते हैं। तो सभी विद्यार्थियों को सपने देखना चाहिए और उन्हें फलीभूत करने के लिए लगन और प्रयत्न के साथ प्रयत्नशील होना चाहिए। प्रमुख वैज्ञानिक आविष्कार और हमारा जीवन आपका अगला अध्याय है। इसमें आप पढ़ेंगे आपका आविष्कार शून्य, बाइसाइकिल, रेलगाड़ी, मुद्रण यंत्र, विद्युत, मोटर गाड़ी, वायुयान, फोटो चित्रण, चलचित्र या सिनेमा, टेलीफोन अथवा दूरभाष, रेडियो एवं टेलीविजन और कंप्यूटर। मनुष्य जब से पैदा हुआ तब से उसने नई नई खोजें करनी प्रारंभ कर दी। सबसे पहले उसने आग का आविष्कार किया। उसने दो पेड़ों को टकराते हुए या पत्थर से पत्थर को टकराकर आग की चिंगारियों को निकलते हुए देखा होगा और तभी से उसके मन में इस आग को पैदा करने का विचार आया होगा। उसने एक नहीं बल्कि अनेक आविष्कार किए और निरंतर वह इन आविष्कारों को नया आयाम देता चला जा रहा है। आज आप जिस युग में जी रहे हैं, वह कंप्यूटर का युग है, इंटरनेट का युग है, मोबाइल का युग है। और आप देखिए, जब हम पत्र या चिट्ठी कभी कबूतर के माध्यम से भेजा करते थे, कभी डाकिया लेकर के आता था और उसमें महीनों लगते थे, आज कुछ सेकंड में आपका संदेशा यहां से वहां पहुंच ही जाता है। प्रमुख वैज्ञानिक आविष्कार और हमारा जीवन, इसके बाद आप पढ़ेंगे त्रुटि संशोधन यानी अशुद्धियां। हम कई बार बोलने में और लिखने में अलग अलग प्रकार की गलतियों को कर जाया करते हैं और इनको सुधारना ही हमारा मुख्य ध्येय होता है। अशुद्धियों के प्रकार में अगर देखा जाए तो सबसे पहली आती है उच्चारणगत तथा वर्तनीगत अशुद्धि। जहां हम बोलने में गलती करते हैं वह आपकी हो जाती है उच्चारणगत अशुद्धि, और जहां हम लिखने में गलतियां करते हैं वह हो जाती है आपकी वर्तनीगत अशुद्धियां। एक उदाहरण के तौर पर देखिए, रण रण के स्थान पर रन लिख दिया जाए, विष्णु विष्णु कर दिया जाए, तो अगर बोलने में हम इस तरह से बोल रहे हैं रण विष्णु, तो यह आपकी उच्चारणगत अशुद्धि हो जाएगी, और अगर हम लिखने में कर रहे हैं तो यह हमारी वर्तनीगत अशुद्धि के अंतर्गत शामिल हो जाएगी। इसी तरह से आपने देखा होगा परीक्षा 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 होता है, परीक्षा नहीं। अगर आपने रा में चिटी की मात्रा लगा दी बड़ी के स्थान पर, तो उसके अर्थ में भी अंतर हो जाएगा। दूसरी अशुद्धि है शब्दगत, जैसे माधुर्यता, सावधानिता, सावधानी होगा, सावधानिता नहीं होगा, सौंदर्यता, सौंदर्य होगा, माधुर्यता, माधुर्य होगा। शब्दार्थगत अशुद्धि के अंतर्गत एक उदाहरण आप देखिए, राम आटा पिसाने जा रहा है, पिसी हुई चीज फिर से नहीं पिस सकती, या तो वो गेहूं पिसाएगा या अनाज पिसाने जाएगा। एक फूलों की माला लाओ, इसके स्थान पर होगा फूलों की एक माला लाओ। एक गर्म गिलास दूध का लाओ, इसके स्थान पर यह होगा एक गिलास गर्म दूध लाओ। अगली आपकी अशुद्धि है वाक्यगत, और ये अशुद्धि होती है कारक की वजह से, कारक अर्थात कर्ता ने कर्म को करण से आदि। एक उदाहरण देखिए, अचानक उसके सीने पर दर्द हुआ,
सही होगा, अचानक उसके सीने में दर्द हुआ। पेड़ में बंदर बैठा है, पेड़ पर बंदर बैठा है। आपके इकाई दो में आपको पढ़ना है शीरीष के फूल, और यह निबंध है आचार्य हजारे प्रसाद द्विवेदी का लिखा हुआ। आचार्य हजारे प्रसाद द्विवेदी ललित निबंधकार के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने शांति निकेतन में रविंद्रनाथ टैगोर के साथ भी काम किया। शीरीष के फूल को लेकर के द्विवेदी जी लिखते हैं, जीवन की अपराजेयता का प्रसार करने वाला शीरीष का फूल जेठ माह की जलती धूप में भी कालजयी अवधूत की भांति जीवन की अजेयता का मंत्र प्रचार करता रहता है। विकास का भारतीय मॉडल, आपका अगला अध्याय है भारतीय मॉडल। संपत्ति जोड़ने का नहीं बांटने का होता है। भारतीय समाज की मूल इकाई कुल है, कुल रक्त संबंधों या फिर कर्म कांडों के प्रतीक से जुड़े थे। आपको मालूम होगा सम्राट हर्षवर्धन अपनी आय का सभी वर्ष के अंत में सारी आय को खर्च कर देते थे, और जब यमुना में स्नान करके बाहर आते थे तब उनकी बहन राजश्री जो उन्हें पहनने को वस्त्र देती थी वही उनकी संपत्ति होते थे। यदि हम पैसे को एक जगह कैद करके बैठ जाएंगे तो फिर विकास कैसे होगा? इसलिए अगर पैसा आता जाता रहेगा तभी विकास हो सकता है। आपका अगला अध्याय है निबंध लेखन की कला। निबंध गद्य साहित्य की सबसे महत्वपूर्ण विधा है और इसमें लिखने वाले का व्यक्तित्व झलकता है। निबंध का अर्थ होता है नी प्लस बंध, अर्थात सम्यक रूप से बंधा हुआ। सुव्यवस्थित निबंध के चार गुण अपेक्षित होते हैं, जैसे जिस भी विषय पर आप निबंध लिखने जा रहे हैं उस विषय सामग्री की विशदता, विषय वस्तु का संयोजन, विषय के अनुकूल भाषा का प्रयोग और प्रभाव क्षमता। निबंध के अंग आप सबको मालूम ही है क्योंकि आप निबंध लिखते ही रहते हैं। प्रस्तावना या भूमिका, मुख्य अंश या विषय वस्तु, विषय विस्तार, उपसंहार या अंत। निबंध के प्रकार पांच हैं, वर्णनात्मक निबंध, विचारात्मक निबंध, विवरणात्मक निबंध, भावात्मक निबंध और साहित्यिक निबंध। वर्णनात्मक निबंध अगर आप लिख रहे हैं तो इसमें किसी वस्तु का वर्णन किया जाता है, पर ऐसा नहीं है अगर आप वर्णनात्मक निबंध लिख रहे हैं तो उसमें विवरण शामिल नहीं होगा, या विचारात्मक निबंध लिख रहे हैं तो उसमें वर्णन नहीं आएगा या भाव शामिल नहीं होंगे। ये पांचों प्रकार एक सभी निबंध में शामिल थोड़े ना थोड़े किसी न किसी रूप में हो ही जाते हैं। अब तो अगला अध्याय है संधि समास, संरचना और प्रकार। संधि दो वर्णों के जोड़ने की प्रक्रिया को कहा जाता है। संधि विच्छेद किया जाता है। संधि तीन प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि अर्थात जहां पर दो स्वर आपस में मिल रहे हो और मिलने के बाद उसमें जो विकार पैदा हो रहा हो, नया कुछ बन रहा हो, उसे स्वर संधि कहा जाता है। जैसे स्वर संधि के पांच भेद हैं, दीर्घ स्वर संधि, जैसे मान लीजिए आ प्लस आ, ई प्लस ई, आ प्लस आ, ई प्लस ई, ऊ प्लस ऊ, ऊ प्लस ऊ, तो बड़ा ऊ बड़ी ई बड़ा आ बन जाएगा, इसे दीर्घ स्वर संधि कहा जाता है। जैसे महा प्लस आशय, महाशय। गुण संधि नर प्लस इंद्र, आ प्लस ई के मेल से ए बन जाएगा। वृद्धि स्वर संधि एक प्लस एक, आ के बाद ए आ जाने से आई की मात्रा के रूप में परिवर्तित
हो जाता है, स्वर ऐ में बदल जाता है। यण संधि नी प्लस अन न्यून, इसमें ना आधा रहेगा, हलंत लगेगा। इति प्लस आदि इत्यादि, अयादि संधि पो प्लस अक पावक। समास, समास का अर्थ होता है कि जब दो पद पास पास आकर बैठ जाएं और इन्हें जोड़ने वाला संयोजक शब्द बीच में से हट जाए, या दो पद मिलकर के एक बन जाए, संयोजक शब्द हटा दिए जाए, तो उसे कहा जाता है समास। समास में चार स्थितियां रहती है। कभी कभी समास का पूर्व पद प्रधान होता है, पूर्व पद अर्थात पहला पद प्रधान होता है। कभी कभी समास में दूसरा पद अर्थात उत्तर पद प्रधान होता है। तीसरा, कभी कभी दोनों ही पद प्रधान होते हैं। और नंबर चार, कभी कभी दोनों ही पद प्रधान नहीं होते, बल्कि इनसे निकलने वाला अर्थ विशेष प्रधान होता है। समास छह प्रकार के होते हैं। पहला है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास का अर्थ होता है इसमें पहला पद प्रधान होता है, एक सी स्थिति में बना रहता है। व्यय का अर्थ होता है खर्च होना, अव्यय यानी जो खर्च नहीं होता है, अर्थात हर स्थिति में प्रत्येक स्थिति में एक सा ही बना हुआ होता है, उसे हम कहते हैं अव्ययी भाव समास। जैसे यथाशक्ति, यथाक्रम, प्रतिपल, प्रतिदिन, प्रतिपल, प्रतिवर्ष आदि। तत्पुरुष समास में विभक्तियों का लोप हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहा जाता है। के से, मैं, पर आदि विभक्तियों का जहां से लोप हो जाए। एक उदाहरण देखिए, माखन चोर, शीश महल, राजपुत्र। कर्मधारय समास में विशेषण विशेष संबंध होता है, इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। जैसे भव सागर, नील कमल। द्विगु समास संख्यावाची समास होता है, जिसमें पहला पद संख्यावाची हो उसे द्विगु समास कहा जाता है। जैसे चौराहा, दोराहा, नवरात्र, त्रिलोकी, त्रिनेत्र आदि। बहुव्रीहि समास में दोनों ही पद प्रधान नहीं होते, बल्कि इनसे निकलने वाला अर्थ विशेष प्रधान होता है। जैसे नीलकंठ, लंबोदर, पीतांबर, दशानंद आदि। द्वंद्व समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं, जैसे भाई बहन, माता पिता, दाल चावल आदि। आपको अगला अध्याय सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये संस्मरण है महादेवी वर्मा द्वारा लिखा हुआ, उसको पढ़ना है। और आपको क्रांतिकारी, प्रतिभाशाली, क्रांतिदर्शी निराला के बारे में बहुत सी बातें पता चलेंगी। एक बार महादेवी वर्मा उनसे पूछती है, रक्षाबंधन का दिन था, कि तुमको किसी ने राखी नहीं बांधी। निराला कहते हैं कि मुझ जैसे फक्कड़ को राखी कौन बांधेगी। और महादेवी वर्मा उस दिन उनको राखी बांधती हैं और उन्हें अपना भाई बना लेती हैं। निराला अवधारदानी थे, वह किसी को भी विकट परिस्थिति परेशानियों में देखते तो अपने पास भले ही अभाव हो और कुछ पैसे भी आए हो, उन्हें उनकी जरूरत भी हो, तब भी वे किसी दूसरे को दान कर दिया करते थे। निराला स्वभाव से ही विद्रोही नहीं रहे, साहित्य में भी उनका विद्रोहीपन झलकता है या दिखाई देता है। शुरू शुरू में आलोचकों ने उनके साहित्य की बहुत आलोचना भी की। जब उन्होंने साहित्य जगत, हिंदी साहित्य जगत को आतुकांत छंद दिया, तो कहा गया ये कैचुआ छंद है या रबर छंद है। अपने युग के विशिष्ट प्रतिभाशाली कवि निराला जी विचार से क्रांतिदर्शी और आचरण से क्रांतिकारी हैं।
उन्हें ताउम्र विरोध सहन करना पड़ा। निराला की मृत्यु पर तो किसी कवि ने कहा था, सूर्य तो ढल गया पर ज्योति प्रखर बाकी है, कावि के सिंधु पर वाणी की लहर बाकी है, क्या बहुत रोशनी को ढक लिया अंधेरों ने, दीप तो बुझ गया किरणों का सफर बाकी है, दीप तो बुझ गया किरणों का सफर बाकी है। इकाई तीन में आपको मांडव के बारे में पढ़ना है और यह यात्रा वृत्त है पंडित राम नारायण उपाध्याय का लिखा हुआ। समुद्र की सतह से 2079 फुट ऊंची विंध्य की पहाड़ी पर मांडव स्थित है। मांडव की इमारतों में सबसे बड़ी इमारत जामा मस्जिद इबादत के लिए सबका स्वागत करते हुए एक सुदृढ़ आस्था और विश्वास पर किसी शुभ दिन की प्रतीक्षा में खड़ी है। आपको मालूम होगा कि प्रतिभाशाली कुशल नृत्यांगना और सौंदर्य के स्वामी रूपमती ने यमुना दर्शन और यमुना स्नान की शर्त पर ही शक्तिशाली राजा बाज बहादुर से शादी की थी और बाज बहादुर ने इसकी पूरी व्यवस्था भी की थी, या कहना चाहिए रानी रूपमती की शर्त को उन्होंने निभाया या माना। यात्रा वृतांत पढ़कर ऐसा नहीं लगता है कि हम यात्रा वृतांत पढ़ रहे हैं, बल्कि ऐसा महसूस होता है कि हम मांडव में ही उन पुरानी इमारतों में विचरण कर रहे हैं। सजीव शैली में लिखा हुआ यात्रा वृतांत है। अगला अध्याय आपका है हिंदी भाषा का मानकीकरण। मानक का सीधा सा अर्थ होता है कि जो सभी के द्वारा मान्य हो। जो भाषा सर्वमान्य, सर्वस्वीकृत और सर्वप्रतिष्ठित होती है वही भाषा मानक भाषा कहलाती है। कभी कभी भाषा में जब दो दो तीन तीन रूप प्रचलन में आ जाते हैं तब आवश्यकता होती है कि किसी एक रूप को मान्यता प्रदान कर दी जाए, और जब पढ़ा लिखा समुदाय समाचार पत्र पुस्तकों की भाषा जो बन जाए उसे मानक मान लिया जाता है। वैसे मानक भाषा पर भी क्षेत्रीयता का प्रभाव पड़ता है और क्षेत्रीय बोलियां अपनी अलग अलग होती ही हैं। मानक भाषा के तत्वों में देखा जाए तो चार तत्व होते हैं, ऐतिहासिकता, जीवंतता, व्याकरण निष्ठ और स्वायत्तता। हिंदी भाषा के पास ये चारों विशेषताएं या चारों तत्व भाषा के पास है। तो मानक भाषा का अर्थ हुआ कि निश्चित पैमाने पर गठित भाषा। आपका अगला अध्याय है भारतीय कृषि। भारत कृषि प्रधान देश है और विश्व कृषि विकास के क्षेत्र में प्रमुख स्थान बना चुका है। कृषि को सभी सभ्यताओं की जननी कहा गया है। एग्रीकल्चर इज द मदर ऑफ ऑल कल्चर। और वैसे भी देखा जाए तो भारतीय कृषि से हमें आय का 26% प्राप्त हो पाता है। 20वीं शताब्दी में यानी कि 1900 के बाद कृषि में तीन बृहद एवं विभिन्न क्रांतियां हुई। प्रथम चरण 1952-68 तक का माना जाता है और इसे पूर्व हरित क्रांति युग, प्री ग्रीन रेवोल्यूशन एरा, कम पूंजी निवेश एवं कम उत्पादकता तकनीक, लो इनपुट एंड लो प्रोडक्टिविटी टेक्नोलॉजी कहा गया। द्वितीय चरण हरित क्रांति युग कहलाया और इसका समय है 1966-88 तक का। इसमें था उच्च तकनीक, अधिक पूंजी निवेश और अधिक कृषि उत्पादकता। तृतीय चरण 1988-99 तक चला। यह उत्तरार्ध हरित क्रांति, पोस्ट ग्रीन रिवॉल्यूशन, अधिक पूंजी निवेश एवं उच्च उत्पादकता का कहलाया। कृषि में टिकाऊपन इसकी विशेषता थी। आपका अगला अध्याय है जीवन, उद्भव और विकास। जब से इंसान पृथ्वी पर आया होगा तभी से उसकी इसके बारे में
खोज भी आरंभ हो गई होगी कि हम जमीन पर आए कैसे, हम इस पृथ्वी पर कैसे आए। वेदों और पुराणों के अनुसार ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता है। हमारे यहां माना जाता है कि दुनिया ब्रह्मा की बनाई हुई है और इसमें जितने भी प्राणी मात्र है वह सब ब्रह्मा के ही अंश हैं। प्राचीन यूनानी धारणा के अनुसार तो जीवन वह अंतरिक्ष से दृढ़ बीजाणुओं के रूप में पृथ्वी पर आया। प्राचीन मिश्रवासियों का मानना था कि जीवन जड़ पदार्थों से स्वतः उत्पन्न हो गया। 17वीं सदी के मध्य तक वैज्ञानिक भी यही मानते थे कि जीव स्वतः जनन से उत्पन्न होते हैं। वॉन हेलमंट ने तो यह बोला कि पसीने से भीगी कमीज तथा गेहूं के भूसे को एक साथ 21 दिन तक अगर रख दिया जाए तो चूहे उत्पन्न हो जाते हैं। 1668 में इटली के फ्रांसिस्को रेडी ने मक्खियों पर प्रयोग कर सिद्ध किया कि नई मक्खियां अंडों से ही विकसित होती हैं। यानी यह माना गया कि एक जीव से ही दूसरा जीव पैदा होगा। लुई पाश्चर फ्रांस के थे, उन्होंने ये माना कि जीवन से ही जीवन की उत्पत्ति होती है। जैव विकास को लेकर वैज्ञानिकों ने अपने अपने वाद प्रस्तुत किए, जिसमें प्रमुख हैं फ्रांस के जीन बैप्टिस्ट लेमार्क, इंग्लैंड के चार्ल्स डार्विन, अल्फ्रेड रसेल वेलेस, विजमन ह्यूगो डी वेरीज पे दिख रहा है वहां पर वे है, हक्सले, डोप जंस्की और सिंपसन। वैसे भी देखा जाए तो जीव संघर्ष तीन प्रकार का होता है, अंतरजाति, आंतरजाति और पर्यावरणीय। अंतरजाति यानी कि जब मनुष्य मनुष्य आपस में लड़ रहे हो, कुत्ते कुत्ते लड़ रहे हो, बिल्ली बिल्ली लड़ रही हो, यानी अपनी ही जाति के लोगों से लड़ाई चल रही हो। अंतरजाति यानी दूसरी प्रजाति, दूसरी जाति के जीवों से अगर आपकी लड़ाई चल रही हो, जैसे सांप और नेमला, सांप और मेंढक, मोर और सांप, हिरण और शेर। पर्यावरणीय में आप देख सकते हो प्रकृति में निरंतर परिवर्तन होते हैं, कभी आंधी तूफान बारिश सूखा इन सब का सामना जीवों को करना पड़ता है और जो इसमें जितना संघर्ष कर लेता है शक्तिशाली बन जाता है वह जीत जाता है या जिंदा रह पाता है। वैसे भी देखा जाए तो प्रकृति कमजोरों को जीने का अधिकार कम देती है। अब अगला अध्याय है जनजातीय जीवन। संविधान में सूचीबद्ध जातियों की संख्या 212 है और इन जातियों को संवैधानिक संरक्षण दिया गया है। जनजाति निवास के रूप में अगर हम देखें तो उत्तर और उत्तर पूर्वी क्षेत्र की जनजातियां, कुछ जनजातियां हिमखंड में बसती है, कुछ वन क्षेत्र में बसी हुई है। मध्य क्षेत्र की जनजातियां, पश्चिम क्षेत्र की जनजातियां, दक्षिण क्षेत्र की जनजातियां। जनजाति गौरव पुरुष और ओजस्वी नारियों में रानी दुर्गावती, फुलकुंवर देवी, टंटिया भील, बिरसा मुंडा को नहीं भुलाया जा सकता, जिन्होंने अपनी कुर्बानी देकर देशवासियों के लिए क्रांति की लड़ाइयों में भी अपनी उपस्थिति दर्ज की है। जनजाति जीवन जीने वालों के सामने अनेक समस्याएं भी खड़ी होती है। सबसे बड़ी समस्या तो आ जाती है अशिक्षा की, रुग्णता, शोषण ग्रस्तता, ऋण ग्रस्तता, बंधुआ मजदूरी, बेगारी, विस्थापन का संकट, हिंसक जानवरों के हमले, देह व्यापार, पलायन, धर्मांतरण, आंदोलन की शिकार। मध्य प्रदेश में जनजातियां और उनके विकास की अनेक योजनाएं भी चलाई जा रही हैं, पर अशिक्षा की वजह से जनजाति अपने समाज का विकास ज्यादा नहीं कर पाती है। रुग्णता, बीमारियों का भी वो टोने टोटके के द्वारा ठीक होना चाहते हैं, डॉक्टर के पास नहीं जा पाते हैं,
गरीबी होती है, गरीबी की वजह से वो अपनी बीमारियों का इलाज नहीं करवा पाते हैं। घर में कोई मुश्किल आ जाए तो उन्हें कई बार शादी ब्याह जैसी चीजें आ जाए तो उन्हें कई बार ऋण लेना पड़ता है, और एक बार ऋण लेने के बाद वो साहूकार को चुका नहीं पाते और उसके बदले में उन्हें बंधुआ मजदूर बनना पड़ता है। कई बार तो पीढ़ी दर पीढ़ी ये बंधुआ मजदूर बने रहते हैं, बेकार करते रहते हैं। इस सबसे उनका जीवन कोई आसान नहीं रह जाता है। मालिक मैला उजला उनसे कोई भी काम करवाता रहता है, कभी बांध बनते हैं, कभी और कोई समस्या आती है तो उन्हें उनके स्थान से हटाकर दूसरी जगह पर रख दिया जाता है। हिंसक जानवरों के हमले उनके ऊपर होते ही रहते हैं। देह व्यापार भोले भाले होने की वजह से उनकी लड़कियों को कुछ चंद पैसों की वजह से खरीद लिया जाता है और कभी कभी विदेशों में भी भेज दिया जाता है। धर्मांतरण का भी एक नया मुद्दा सामने कई बार आपने बीच बीच में अखबारों में सुना होगा, पढ़ा होगा, तो ये सारी समस्याएं उनके सामने आए दिन आती रहती है। मध्य प्रदेश में जनजाति विकास योजनाओं में शिक्षा, रोजगार, प्रशिक्षण और अन्य सुविधाएं हमारी सरकार उन्हें उपलब्ध कराती है। आपके अगले अध्याय में उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। ये कहानी 1915 में प्रकाशित पत्रिका सरस्वती में चंद्रधर शर्मा गुलेरी की दूसरी कहानी प्रकाशित हुई थी। इस कहानी ने वस्तु जगत के यथार्थ और सजीव चित्रण, पात्रों के आंतरिक वाह, उत्कृष्ट सौंदर्य, भाव जगत की उदात्तता, प्रेममय त्याग, बलिदान की स्वर्गिक छटा और चित्रात्मक भाषा आदि अनेक विशेषताओं के कारण हिंदी पाठकों के मन को मोह लिया था, या कहा जाए पाठकों के चित्त को अपनी ओर आकृष्ट कर लिया, और यह कहानी जगत में मील का पत्थर भी साबित हुई। गुलेरी जी ने अपने जीवन में 3 कहानियां लिखी हैं और उसने कहा था कहानी से वे कहानी संसार में अमर हो गए हैं। इकाई 4 में आपको पढ़ना है महाजनी सभ्यता, यह प्रेमचंद के द्वारा लिखा हुआ निबंध है। महाजनी सभ्यता में तो सारे कामों की गरज महज पैसा होती है। इस सभ्यता का सिद्धांत ही है बिजनेस इज बिजनेस, अर्थात व्यवसाय व्यवसाय होता है। यहाँ रिश्तेदारी, नातेदारी, मुरब्बत का कोई जगह नहीं होती। या आपने ये सुना होगा बाप बड़ा ना भैया और सबसे बड़ा रुपया। अगले अध्याय में आपको मुहावरे और लोकोक्तियों से परिचित कराया जाएगा। मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है। अरबी भाषा से होता हुआ यह हिंदी भाषा में शामिल हुआ है। इसका अर्थ होता है अभ्यास, सिर पर कफन बांधना, ईद का चांद होना, अपना उल्लू सीधा करना, दाल में काला होना, मन के लड्डू फोड़ना आदि ये मुहावरे हैं। मुहावरे वाक्यांश होते हैं। लोकोक्ति लोक में प्रचलित कथन को कहा जाता है लोकोक्ति, लोक प्लस उक्ति। इसका एक नाम कहावत भी है, जो कहा जाए कहावत। लोकोक्ति और मुहावरे में एक अंतर है, मुहावरा वाक्यांश है तो लोकोक्ति संपूर्ण वाक्य होती है। ये वाक्य में प्रयोग हो सकती है और ये कविता, गद्य सभी जगह, या पूरा वाक्य है तो कहीं भी प्रयोग आसानी से हो जाती है। कुछ लोकोक्तियां देखिए। अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत, ऊंची दुकान फीका पकवान, अंधों में काना राजा, घर का भेदी लंका ढाए, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा, और ओखली में सिर दिया तो मूसलों से क्या डरना, छछुंदर के सिर पर चमेली का तेल, गंगा गए गंगा दास, जमुना गए जमुना दास। ऐसी कितनी ही लोकोक्तियां और मुहावरों से आप प्रतिदिन रू बरू होते रहते हैं।
अगला अध्याय है सौर मंडल। इसमें आपको सूर्य के साथ 9 ग्रह, उनके उपग्रह, कुछ अवांतर ग्रह, अवांतर यानी क्षुद्र ग्रह जो नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते, तथा बड़ी संख्या में धूमकेतु आपको पढ़ना है या आपको बताया जाएगा। सूर्य और सूर्य मंडल के ग्रह के बारे में हमें जानना होगा इस अध्याय में। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, यम, उनके उपग्रह, अवांतर ग्रह, धूम केतु, उल्का नक्षत्र आदि का अध्ययन इस अध्याय में किया जाएगा। ब्रह्मांड और जीवन आपका अगला अध्याय है। पहले भी हमने बताया कि जब से इंसान पैदा हुआ तभी से उसके मन में ये विचार आया कि ये जगत कैसे बना, और हमने ये कल्पना की कि ब्रह्मा ने ही सारी सृष्टि का निर्माण किया है। ब्रह्मांड हम उसको कहते हैं, हम जिस पृथ्वी, वायु, आकाश, तारामंडल और परिवेश में सांस लेते हैं वह हमारा ब्रह्मांड है। ग्रीक, चीन, मिश्र, भारत, इटली, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड आदि देशों में ब्रह्मांड संबंधी व्यापक अध्ययन समय समय पर होते रहे। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में दो सिद्धांत माने जाते हैं। एक सिद्धांत है स्थायी अवस्था सिद्धांत और दूसरा है महाविस्फोट सिद्धांत। यह आपको इस अध्याय में पढ़ाया जाएगा। तारे, ब्लैक होल, तारामंडल, सप्तऋषि, ध्रुव तारा, गैलेक्सी, आकाश गंगा और ब्रह्मांड में जीवन कहाँ कहाँ है, कहाँ नहीं है, इस सब की जानकारी आपको इस अध्याय में मिलेगी। अगला अध्याय है संक्षिप्तियां, एब्रीविएशन। वास्तविक अर्थ में संक्षिप्तियां अभिव्यक्ति की सुविधा की प्रवृत्ति से उपजी एक कला है। जैसे टीटी नगर, बीए, एमए आदि। संक्षिप्तियां दो प्रकार की होती है, एक होती है मौखिक, दूसरी होती है लिखित। मौखिक संक्षिप्ति अर्थात जो हम बोलने में जिनको अपनाते हैं उन्हें मौखिक संक्षिप्ति कहते हैं, और लिखित जिन्हें हम लिखते समय जिनका प्रयोग करते हैं। मौखिक संक्षिप्ति में एक उदाहरण के तौर पर आप देखिए भेल, द्रमुक, भाजपा। लिखित संक्षिप्ति में जैसे यूपी, एमपी, यूजीसी आदि। आपका अगला अध्याय है शिकागो व्याख्यान, जो 11 सितंबर 1893 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म महासभा में दिया था, जहां संसार भर से सभी धर्मों के लोग शामिल हुए थे। स्वामी विवेकानंद ने कहा विश्व धर्म महासभा में स्वामी विवेकानंद जी धर्म की पताका पर लिखे होने की बात करते हैं और वह कहते हैं, सहायता करो, लड़ो मत, प्रभाव ग्रहण न कि प्रभाव विनाश, समन्वय और शांति न कि मतभेद और कलह। इस अवसर पर उनकी एक कहानी याद आती है कि कहीं दूर समुद्र से एक मेंढक किसी कुएं में आकर गिर गया। तब कुएं के मेंढक ने पूछा, तुम कहां से आए? उसने उत्तर दिया, समुद्र से। उस मेंढक ने पूछा, समुद्र कितना बड़ा होता है? तो कुएं के मेंढक से उसने कहा, तुम्हारी कल्पना से कहीं बहुत बड़ा। उसने कहा, इस कुएं से भी बड़ा। उसने कहा, इस कुएं से तो कहीं कहीं बहुत बहुत बड़ा। उसने कुएं से एक तरफ से दूसरी ओर छलांग लगाई, पूछा, इतना बड़ा? उसने कहा, नहीं, इससे भी बड़ा। उसने दूसरी ओर छलांग लगाई, कहा, इतना बड़ा? उसने कहा, नहीं, इससे भी बड़ा। जब ऐसा कई बार हुआ तो उसने कहा, तुम झूठे हो। कहने का अभिप्राय है कि हर धर्म का व्यक्ति अपने धर्म को ही श्रेष्ठ समझता है
वह दूसरे धर्म की अच्छी बातों को सुनना ही नहीं चाहता, देखना ही नहीं चाहता, समझना ही नहीं चाहता, या उसको कहा जाए कि ग्रहण ही नहीं करना चाहता। विवेकानंद यही तो चाहते हैं कि सभी धर्मों को समान माना जाए, समन्वय और शांति का संदेश सभी के बीच में हो। इकाई 5 में आपको पढ़ना है मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थल। इसमें आपको प्रमुख दुर्ग, राजमहल, संग्रहालय, सांस्कृतिक महत्व के पर्यटन स्थल पढ़ाए जाएंगे। फिल्टर तो चाहिए ही, यह निबंध डॉक्टर देवेंद्र दीपक का लिखा हुआ है और उनका यह मानना है कि फिल्टर एक सामाजिक आवश्यकता है। फिल्टर तो जीवन में होना ही चाहिए, वो कोई भी क्षेत्र हो, सामाजिक, राजनीतिक, कहीं भी। इसके बाद आपका अगला अध्याय है भारतीय वनस्पतियां और जीव। कल्पना कीजिए, अगर हरियाली ना हो तो हमारा क्या होगा? हम जिंदा कैसे रहेंगे, सांस कैसे लेंगे, पानी कैसे बरसेगा? इसीलिए शायद हमारे धर्म धार्मिक ग्रंथों में या धर्म ग्रंथों में सभी को समान माना गया है, चींटी से लेकर के हाथी तक, सूक्ष्म जीवों से लेकर बड़े जीवों तक, छोटे पौधों से लेकर के बड़े पौधों तक। हमारे प्रमुख पेड़ पौधों में आप देखिए महुआ, नीम, पीपल, बटवृक्ष, आंवला, तुलसी, आम, पलाश, बिल्व, नारियल माने गए हैं। महुआ की तो शराब भी बनती है, रीच को यह बात पसंद भी रहता है। नीम का अर्थ ही होता है आधा, और नीम को आधा वैद्य भी कहा गया है। स्त्रियां वटवृक्ष की पूजा करती हैं। पीपल का पेड़ तो यह माना गया है श्री कृष्ण का ही है। आंवला, तुलसी, इनसे आप परिचित ही हैं। आम, पलाश, बिल और नारियल, नारियल तो हर शुभ काम में शामिल किया ही जाता है। प्रमुख जंगली प्राणियों में गैंडा, जंगली गधा, सिंह, नीलगाय, बारहसिंहा, कस्तूरी मृग, मोर, सौन चिड़िया के बारे में आपको बताया जाएगा। आपका अगला अध्याय है पर्यावरण, जिसका अर्थ होता है परि प्लस आवरण, यानी हमारे चारों ओर का वातावरण। धरती, आकाश, जल, वायु, भूमि, मनुष्य, जीव जंतु, सूक्ष्म जीव, समस्त वनस्पतियां पर्यावरण के अभिन्न अंग हैं। पर धीरे धीरे हमारा पर्यावरण प्रदूषित होता चला जा रहा है। आज आवश्यकता इस चीज की है कि हम इसकी विभीषिका को समझें, जागे और अपने पर्यावरण को बचाने की कोशिश करें। समग्रता कहा जाए तो हमारी प्रकृतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियां हमारा पर्यावरण है। आज स्थितियां कुछ बदलती चली जा रही हैं। जंगल छोटे होते चले जा रहे हैं और कंक्रीट के जंगल बढ़ते चले जा रहे हैं। देखिए कुछ लाइन, धुआं उगलती चिमनिया, कुआं निगलते खेत, शहर गांव दोने हुए भूखे नंगे पेट। धुआं उगलती चिमनिया, कुआं निगलते खेत, शहर गांव दोनों हुए भूखे नंगे पेट। पेड़ कटे, जंगल जले, गांव हुए बर्बाद, शहर बीच सीमेंट के, जंगल है आबाद। आज आवश्यकता है कि हम धरती को भी प्रदूषित होने से बचाएं, जल को प्रदूषित होने से बचाएं, वायु को प्रदूषित होने से बचाएं, भूमि को प्रदूषित होने से बचाएं, और अगर हम इनको बचा पाते हैं तो हमारा जीवन निरोग और सुखमय हो सकता है। आज आप देखिए पेड़ कटते चले जा रहे हैं और पेड़ कटने की वजह से मौसम पर भी असर पड़ता चला जा रहा है। एक पेड़ 16 लोगों को प्रतिदिन जीवन देता है और एक व्यक्ति को प्रतिदिन 16
जो आपका गैस सिलेंडर होता है उतनी गैस की उतनी ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। यदि पेड़ नहीं होंगे तो हम भी नहीं होंगे। अगला अध्याय आपका है भोला राम का जीव, जो कि हरिशंकर परसाई का लिखा हुआ है। हरिशंकर परसाई व्यंग्यकार है। भोला राम का जीव के माध्यम से उन्होंने वर्तमान में अनेक अव्यवस्थाओं पर सीधा प्रहार किया है, वर्तमान प्रशासकीय व्यवस्था पर व्यंग किया है, जिसमें भोला राम की आत्मा मरने के उपरांत स्वर्ग नहीं जाना चाहती है, क्योंकि उसका पेंशन का प्रकरण सुलझा नहीं है। उसका मन फाइलों में रमा हुआ है। नारद उसे लेने भी आते हैं, लेकर जाना चाहते हैं, पर वह कहता है, मैं यहां से नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि मेरा पेंशन प्रक्रिया अभी सुलझी नहीं है। एक इंसान जिस दफ्तर में काम करता है और जब वह वहां से रिटायर हो जाता है, तब उसे अपनी पेंशन निकलवाने के लिए कितने ही चप्पल जूतों को रगड़ना पड़ता है। रिश्वत दीजिए तो आपका काम हो जाएगा, रिश्वत नहीं दे पा रहे हैं तो आपका काम नहीं हो पाएगा। आखिरी अध्याय आपका है आंगन का पंछी, और यह डॉक्टर विद्या निवास मिश्र का लिखा हुआ है। विद्या निवास मिश्र को पद्म भूषण मिला हुआ था। ललित निबंधकार है, उनके अनेक निबंध आ चुके हैं। आपके इस अध्याय में आंगन का पंछी अर्थात गौरैया को शामिल किया गया है। गौरैया पक्षियों में ब्राह्मण है, और हमारे देश में तो यह माना जाता है कि जिस घर में गौरैया अपना घोंसला नहीं बनाती वह घर निर्वंश हो जाता है। पक्षियों में सभी का शिकार किया जाता है, पर गौरैया का शिकार नहीं किया जाता है। चीन में गौरैया को खेती का शत्रु मानकर उसके खिलाफ सामूहिक अभियान शुरू किया। बंदूक दाग दाग कर झुंड के झुंड इन गौरैयों को खदेड़ते हैं और खदेड़ते ही रहते हैं, ताकि ये कहीं बैठने को और न जा सके और जमीन पर बेदम होकर गिर पड़े। हम भारतीय जीवन की अखंडता को मानते हैं, उसमें विश्वास करते हैं। पारिवारिक सहचर्य भाव भी हमें चर अचर जड़ चेतन जगत के साथ कर्तव्यशील बनाता है। सृष्टि में भी हम अरुण ऋयान और महतो महीयान को एक नजर से देखते हैं, यानी छोटे से छोटा जीव और बड़ा से बड़ा जीव सब एक समान है। इस सृष्टि में सभी को जीने का उतना ही अधिकार है जितना कि आपको अधिकार है। आपका बस कुल इतना ही पाठ्यक्रम है, इसकी एक झलक अभी आपने देखी। आप सभी के उज्जवल भविष्य की मैं कामना करती हूँ। धन्यवाद। नमस्ते। शुभ रात्रि। शब्बा खैर। सुरक्षित रहिए, ज्ञानवान बनिए, और बहुत सारा ज्ञान अर्जन करके अपने देश को आगे की ओर ले जाइए, प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाइए। धन्यवाद। अरे हाँ।